सो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स की वेटिंग पीरियड के बारे में कि भाई कितना टाइम लगता है, कितना वेटिंग पीरियड होता है, मैक्सिमम सारे वेरिएंट्स का बताऊंगा जितनी भी आती हैं रॉयल एनफील्ड के अंदर, चाहे वो बुलेट 350 हो, क्लासिक 350 हो, हिमालयन हो, इंटरसेप्टर हो, GT 650 हो, चाहे वो मीटियोर 350 हो, सबका बताएंगे आपको। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। स्टार्ट करते हैं रॉयल एनफील्ड की सबसे सस्ती और शानदार बाइक के साथ जो कि स्टैंडर्ड 350 यहाँ खड़ी है। बहुत ही अल्टीमेट लुक आते हैं इसके, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ओवरऑल बाइक, बहुत बढ़िया फील है। यहाँ पर अगर बात करी जाए बुलेट 350 का, बुलेट 350 का जो मैक्सिमम आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है 1 मंथ का। सिर्फ आपको 1 महीना वेट करना है इस शानदार बाइक के लिए। यहाँ पर तीन खड़ी हैं बुलेट 350, 1, 2 एंड 3, तीसरी वहाँ पर खड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि कितनी ज़्यादा शानदार लगती है बुलेट 350 यार। दिस इज़ द रियल रॉयल एनफील्ड। बहुत ही बढ़िया लुक, परफॉर्मेंस में 1 नंबर, बिल्ड क्वालिटी में तो यार बहुत ही शानदार बाइक है। अब बात करते हैं क्लासिक 350 के बारे में, विच इज़ अ रियली फेमस ब्रांड एंड बहुत ही एक ज़्यादा फेमस बाइक है इंडियन मार्केट में। क्लासिक 350 लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लेना बिकॉज ऑफ इट्स लुक्स, इट्स परफॉर्मेंस, पावर, हर एक चीज़ के लिए। क्लासिक 350 की अगर बात कर जाए यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ भी सिर्फ 1 महीने का मैक्सिमम वेटिंग पीरियड। क्लासिक 350 में बहुत सारे कलर्स आते हैं एंड हर कलर की प्राइस अलग होती है। ये स्पेसिफिक कलर है गन मेटल ग्रे, एलॉय व्हील्स वाला है। एंड जैसे कि आपको देखने को मिलता है यहाँ पर बुलेट 350 में जो टायर्स आते हैं वो ट्यूब वाले आते हैं, वहीं क्लासिक 350 में जो सिर्फ एलॉय व्हील्स वाले वेरिएंट है उसमें ट्यूबलेस टायर आते हैं। अगर इसमें भी स्पोक व्हील्स वाला जो वेरिएंट होता है क्लासिक 350 में, उसमें भी ट्यूब वाले ही टायर आते हैं। क्लासिक 350 के लिए आपको सिर्फ 1 महीना वेट करना है जो कि यार लिटरली बहुत कम है बिकॉज इतनी शानदार बाइक इतनी जल्दी मिल रही है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब चलते हैं मीटियोर 350 की तरफ एंड मीटियोर 350 की अगर बात करी जाए यहाँ पर वेटिंग पीरियड की जो मैक्सिमम आपको देखने को मिलती है वो है 3 महीने। चाहे आप स्पेशल एडिशन वाला कलर मंगा रहे हो या आप सिंपल कलर मंगा रहे हो, कोई भी वेरिएंट हो मीटियोर 350 का, मैक्सिमम 3 मंथ्स यू हैव टू वेट फॉर दिस अमेजिंग पीस ऑफ मशीनरी। डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रॉयल एनफील्ड बाइक। बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है इसका, वाइब्रेशंस बहुत कम हो चुकी है पहले से अगर कंपेयर करा जाए पहले वाले आने वाले मॉडल्स के साथ या पहले जो इंजन आते थे रॉयल एनफील्ड के उसके साथ अगर कंपेयर करा जाए। 3 महीने मैक्सिमम आपको वेट करना है मीटियोर 350 के लिए। सो गाइस अब अगर बात करें हम हिमालयन, जो कि बहुत ही शानदार एक ट्रैवलिंग के लिए बाइक है, एक ऑफ रोड फन के लिए बाइक है, बहुत ही अल्टीमेट जिसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, आपको मैक्सिमम 3 महीने में वेट करने हैं हिमालयन के लिए भी। 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है हिमालयन के लिए एंड कोई भी कलर हो डेफिनेटली 3 महीना मैक्सिमम वेटिंग पीरियड आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंटरसेप्टर 650 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार बाइक है, बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा आपको जिसका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, उसके लिए भी आपको मैक्सिमम 3 महीना वेट करना पड़ता है। एंड अगर बात करें GT 650 की, जो एक कैफे रेसर एडिशन आता है इंटरसेप्टर 650 का, उसके लिए भी मैक्सिमम आपको 3 महीने ही वेट करने हैं, चाहे कोई भी कलर हो, कोई भी आपको पेंट स्कीम आप चूज़ कर रहे हो तो ये बहुत सही है। पहले वेटिंग पीरियड क्या है थोड़ी ज़्यादा होती थी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की, बट डेफिनेटली अब काफ़ी कम हो चुकी है। आई पर्सनली रियली लाइक द बिल्ड क्वालिटी एंड पेंट क्वालिटी ऑफ द रॉयल एनफील्ड बाइक्स, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। मेरे सामने बहुत ही शानदार एक आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलेट 350 खड़ी है, आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार यहाँ पर आपको पेंट क्वालिटी देखने को मिलती है और ये पिन स्ट्राइपिंग यार जो हाथों से होती है बहुत ही प्यारी देखने को मिलती है। ओवरऑल यार रॉयल एनफील्ड जानी जाती है अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए। डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रॉयल एनफील्ड बाइक्स को एंड मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ रॉयल एनफील्ड बाइक्स को। सो गाइस दैट वाज जस्ट ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया द वेटिंग पीरियड ऑफ ऑल द रॉयल एनफील्ड बाइक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नीचे प्यारा सा लाल कलर का एक सब्सक्राइब कर दूंगा उसको तोड़ मोड़ थोड़ा जोर करने का जो जान चाहिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख के आ रहा है throttle_98 इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। मिलते हैं आप सबके लिए वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग पावर डे, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड वाइट सेफ, बाय।